the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling. हम उतर गए हैं एंड पहुंच गए हैं टर्मिनल 3 आफ्टर इतने सालों बाद, मतलब कि ऑलमोस्ट 7 सालों के बाद मैं टर्मिनल 3 पे आई हूँ. हमेशा टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 पे फेंक देते थे, आज टर्मिनल 3 से. और पूरा हम टर्मिनल 3 को एक्सप्लोर करेंगे और टर्मिनल 3 देखेंगे इतने टाइम बाद कि टर्मिनल 3 कैसा है. अब तो याद भी नहीं है कि कुछ चेंजेस भी हुए होंगे या नहीं, पता नहीं, ध्यान नहीं है. चलते हैं अंदर. अब चेक इन घर से तो हुआ नहीं था, यहीं से ही चेक इन हम कर लेते हैं. हमारी है विस्तारा, तो यहीं से कर लेते हैं, तो हमें वहाँ पे लेने की अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और बोर्डिंग पास, तो यहाँ पे आप अपना बोर्डिंग पास ले सकते हो. अंदर आपको क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे प्रिंट वाला बोर्डिंग पास मिलेगा, जो कलरफुल नहीं होता है, नॉर्मल पेपर वाला. अगर अंदर आपको लेना है तो अंदर कलरफुल वाला मिल जाएगा. तो यहाँ मशीन्स लगी हुई हैं, तो जल्दी जल्दी काम निपटाओ और यहीं से ही ले लो. यहाँ पे लिखा हुआ था चेक इन कुड नॉट बी कम्प्लीटेड, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आया. हमारे यहाँ से बैग टैग भी आ गया है, ये आ गया हमारा बोर्डिंग पास ही तो आया है, टैग कहाँ आया है? बोर्डिंग पासेस आर बीइंग प्रिंटेड. ये रहा, ये हमारे बोर्डिंग पास आ चुके हैं. और क्या देना चाहता है, और कुछ देना है इसको? नहीं देना, चलो ओके ठीक है, बाय बाय. कलरफुल है, हाँ चलो. हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल. तो आज से हमारी नई ट्रिप स्टार्ट हो रही है और मेरे फेस पर लगकर दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. तो मैं और शिव आज एक नई ट्रिप को स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमारा ट्रिप है केरला के लिए और ये आज तक हमारा सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप होगा. हम इस ट्रिप में 8 दिन स्पेंड करने वाले हैं और केरला के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं और बड़ा मजा आने वाला है. और इस टाइम हम ना दिल्ली एयरपोर्ट है और इस टाइम नियर अबाउट 11 o'clock है, 12 बज गई है और हमारी फ्लाइट अराउंड है 4:30 बजे. तो अभी हमारे पास 4.5 घंटे. हम जल्दी क्यों आ गए, इसका कुछ अलग पॉइंट्स हैं. एक तो हमें लाउंज एक्सेस करना रहा यार, क्रेडिट कार्ड दिया है और 1500 रुपये उसकी ईयरली में चार्ज देता हूँ, तो लाउंज एक्सेस में फ्री था, तो लाउंज एक्सेस भी करना था. और पहली बार ना हमने विस्तारा फ्लाइट करी है, तो विस्तारा फ्लाइट रहती है T3 से. बाकी सब नकली फ्लाइट्स में इंडिगो स्पाइस जेट जाती थी T2 से. इस बार मैंने कहा कि T3 को भी एक्सप्लोर करेंगे, लाउंज एक्सेस भी करेंगे और इस बार हमारा टाइम अच्छा भी पास हो जाएगा. तो इसलिए हम 3-4 घंटे पहले आ गए और रात को 1-2 बजे निकलने का फायदा नहीं था. तो हम पहुँच गए हम T3 के लिए और सबसे पहले अब हमने एंट्री कर ली है एयरपोर्ट पर. तो सबसे पहले हम करेंगे सिक्योरिटी चेक इन और उसके बाद देखते हैं कि T3 में क्या शॉपिंग कर सकते हैं, क्या कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यार एक टाइप से मॉल टाइप ही है पूरा T3 का, जो बड़ा एयरपोर्ट है. तो सबसे पहले विस्तारा के काउंटर पे चलते हैं. पहली बार मैं विस्तारा से अप्लाई कर रहे हैं और विस्तारा में मैंने सुना है फूड वगैरह भी काफ़ी अच्छा होता है, लेट्स सी कैसा होता है. आलो ले हम, हाँ तो अब हम जा रहे हैं चेक इन करवाने के लिए बैगेज, क्योंकि जो यार एक बारी ना ये लगेज जो हमारा चला जाएगा ना उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी. उसके बाद हम खाली अपने हैंड बैग्स के साथ घूम सकते हैं. और हमें करना है लाउंज एक्सेस, मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख और हम जल्दी इसलिए आते हैं क्योंकि हम लाउंज एक्सेस कर सकें, ठीक है. और T3 बहुत टाइम बाद आई हूँ तो भैया एक्सप्लोर तो करना ही है. तो चलो एक बारी चेक इन करा दे फिर चलते हैं. इंटरनेशनल 7 सालों बाद हम लोग इंटरनेशनल, मतलब कि T3 पे फ्लाई, मतलब 7 सालों बाद हम लोग T3 पे आए हैं. तो बहुत ही ज़्यादा T1, T2, T3 है ना, सिमिलर है ना अब तक में, मतलब जब तक चेक इन ना करो तब तक T1, T2, T3 सिमिलर है. चेक इन के बाद T3 अलग ही है. हाँ, T3 अलग ही है. ये तो पूरा एक मॉल से भी बड़ा कुछ है. अरे आज एयरपोर्ट कुछ ज्यादा खाली नहीं लग रहा यार, टाइम ऐसा है ना. और यहाँ पे देखो यार ब्रांड्स कितने T3 में यार, मतलब इनको देखते रहो बस. वो पहली बार मैं देख रहा हूँ इस पे भी सेल है, एयरपोर्ट पे भी सेल होती है क्या? अरे बिल्कुल खाली एयरपोर्ट है. यूके
883 ढूंढनी हमने 455 पे। ये रही ना, बी पे जाना है, बी रोम में 445 UK83 कोचिन बी रो बी। हाँ, तो हम लोग एंटर कर गए हैं T3 पे। पता है आपको T1 T2 T3 सिमिलर है जब तक चेक इन नहीं हो जाता, उसके बाद तो दुनिया ही अलग है T3 की। ऐसे ऐसे मस्त मस्त आपको ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, सनहट और वहाँ पे राडो, ये सारे ब्रांड्स हैं। मतलब इतने सालों बाद में T3 पे आई हूँ ना, मज़ा सा आ रहा है। अभी अंदर चलते हैं, थोड़ा सा फ्री होते हैं। देखो स्वरोवस्की ये वाला ज्वेलरी ब्रांड, ये भी है, लकोस्टे है, टॉमी है, मार्क्स एंड स्पेंसर है। सबसे पहले हमारा हाँ, मिल गया है। पहले सुसु करना, फिर लाउंज जाना, फिर लाउंज ढूंढना, ठीक है। मैक है, तो चलो अभी हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, देन उसके बाद लाउंज में खाना खाते, क्योंकि भूख बहुत तेज है। देखो ये मज़ेदार मिल जाता है देखने के लिए, सब कुछ है। ब्रिक स्टोन, ब्रिकिन, आई डोंट नो कैसे स्पेल करते हैं इसको, बिग स्टोन स्टॉक, आई डोंट नो, ठीक है। टिम हॉर्टन्स है, स्टारबक्स है, मतलब अलग ही दुनिया दिखती है भाई। मुझे तभी T3 बड़े टाइम से बोल रहे थे, साला अब फ्लाइट करो ना तो T3 से ही करना, अदरवाइज मत करना। इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ये सूर्य नमस्कार के सारे पोजेस। अच्छा रूम, ओके चलो। बिकिन स्टोक तो लड़की, मैं तेरे को ना सुनो, एनक्लेम एनक्लेम इसकी ना, मैंने मेरे पास इसकी ना, मेरे पास वो है कैंडल, तेरे को पता है एनकैम का एनकैम लाउंज भी है, लाउंज है तो वहां पे क्या थेरेपी वगैरह देते हैं? लाउंज में नहीं देते, अलग से स्पा में देते हैं। चलो मैं तेरे को कुछ खिला के लाता हूं लाउंज में, पेट भर के। अच्छा ₹2 में, अच्छा ₹2 में पेट भर के, ठीक है। लोग वैसे भी सोचते हैं कि यार कहीं से बूफे मिले, ये वो, मैं तो बोल रही हूँ टिकट लेके एक बूफे वूफे इंजॉय करके कैंसिल करा दो। हल्दीराम्स भी है, जहाँ पहुँचने के बाद कैंसिल नहीं होती है ना, 24 घंटे वाली होती है। चलो ठीक है, ऐसे बेवकूफ़े मत करना जैसे मैं कह रही हूँ, मुझे ही पिटोगे आप लोग। बाय वन गेट वन, दिस इज श्रीमद् भागवत गीता। ओ वाह, तो विस्तारा कोची गेट नंबर आ गया 44A, आने जाना है 44A गेट पे। वैसे भी हमारा बहुत टाइम है यार, कम से कम भी 3-3.5 घंटे हैं अभी, और अभी लाउंज में आते हैं, इसको मैडम थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, लाउंज में थोड़ा कुछ खाता हूँ यार। बड़ा हमने मतलब इस चक्कर में कि लाउंज में जाना, हम डिनर ही नहीं करके आए, तो ठीक है ना यार, कार्ड्स हैं, हमने लाउंज में 2 रुपये एंट्री लगती है और अपना डिनर वगैरह आप कर सकते हो, और वैसे उसमें अल्कोहल वगैरह भी होती है बट वो चार्जेबल होती है, बट आपको जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ये सब अनलिमिटेड होती है, कितना ही खाओ कितना ही पियो। तो अभी क्या करते हैं, पहले लाउंज चलते हैं और कुछ खाते हैं, और फिर वहाँ पे भी 1-2 घंटे ना मैं सोच रहा हूँ सो भी जाएंगे, क्योंकि हमको ना अभी हम नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो, और कल सुबह हमें घूमना है पूरा, तो मुझे लग रहा है कि कल का दिन तो ख़राब होने वाला है यार। लेट्स सी, अपनी तरफ से तो ना मैं 4 कार्ड लाया हूँ और अब हम लाउंज जा रहे हैं, 4 कार्ड लाया हूँ, होपफुली 4 में से कोई 2 एक्सेप्ट हो जाए, नहीं तो फिर मेरे को उसको बाहर बैठाना पड़ेगा यदि 1 एक्सेप्ट मेरा हो जाएगा। दोस्तों बाकी लोगों की मैं गारंटी, मेरे पास 4 है, मेरे पास 4 है, कहीं को 4 भी फेल हो जाते हैं, हमारा नहीं होएगा एक भी फेल। चलो कहाँ से चलना है? वहाँ से चलना है, बोरा फूड कोर्ट, मुझे भी छोटा लग रहा है ये, पता है बड़ा से घूम दे वो रहा ऊपर, उसमें चलेंगे एनकाम लाउंज में। वो कहाँ है, वो जो ऐसे नीचे जाते हैं एनकाम लाउंज, अरे वो एक मूर्ति सी आती है। एक काम करते हैं, पहले खाते हैं, हमने डिनर भी नहीं किया, मैंने दोस्तों को बता दिया हम डिनर नहीं करके आए हैं, पहले खाते हैं, फिर तेरा माए भूख खड़ी सी लिए थे, फिर वो ढूंढते हैं जो भी तुमको चाहिए, ठीक है, पहले पेट पूजा, बाकी बात सारी दूजा। पहले की सिटिंग तो ऐसी है यार, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, देख वो खाने पीने का छोटा है काफ़ी, वो देख लाउंजेस आगे बहुत सारे हैं, और ये सब तो इससे बड़ा तो यार T2 का था, पर देखो शायद अलग अलग है तो आगे कह रहे हैं लाउंजेस और भी है यार, ये
नहीं नहीं ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है इनका। ये किसका छोटा यार सर, ये बहुत बड़ा यार है तो। ये सारे चल जाएंगे हमारे, चल जाएगा कुछ ना कुछ, चल ही जाएगा हमारा। और कहाँ है, एयर इंडिया का है, एयर इंडिया का है। ओके एक ही लाऊं जस्ट हाँ से। ये कौन सा है, एनकाम, एनकाम पे ना ये सारे चलते हैं है ना, ये सारे इन्होंने क्रेडिट कार्ड दे रखे हैं जो यहाँ पे चलते हैं। तो अभी हम लोग खाना खा के आ गए हैं, तो हम लोग अभी खाना खा के आ गए हैं। अभी तो 2:11 हुई है, तो हमने सोचा चलो T3 पूरा देख लेते हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा T3 इतना छोटा तो नहीं है। तो बस हमने खाना खा लिया है और अब हम T3 देखेंगे। हमें दो घंटे अभी हैं हमारे पास, तो हम एक्सप्लोर करते हैं T3 को। एक ही और, हाँ ये तो यहाँ वो अच्छी है, देख लेते किसकी चेयर, इसकी भी सोफा जैसे ही हैं। इधर रखी है इसकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ये है एयर इंडिया का लाउंज, भीड़ नहीं है ज़्यादा। हाँ इसकी भी लेकिन सोफे वाली सीट्स हैं, सबसे अच्छी रेटिंग उसी की है, एक एनकाम की। पर अच्छा लग रहा है ये ना, नमस्ते एयर इंडिया। खुशबू भी अच्छी अच्छी है। हमने एक्सेस कर लिया, ये है वहाँ पे खाने के लिए जो बूफे है वो लगा हुआ है। और खाने में मुझे मिला, हमने लिया है ये मशरूम चावल और पनीर और 2 रोटी एंड और भी चीज़ें हैं, थोड़ा डिज़र्ट है। और अब देखो यहाँ पे ना ये फ्री मिलता है, कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलता है लेकिन ओपन करके मिलेगा, एंड ये जो बॉटल है वो भी फ्री मिलती है, कॉफ़ी फ्री मिलती है, सब चीज़ फ्री मिलती है आपको, ओनली ऑन क्रेडिट कार्ड, सिर्फ क्रेडिट कार्ड को 2 रुपये में। मुझे तो बहुत भूख बहुत तेज लग रही थी। तो चलो इसको खाते हैं, पहले पेट पूजा करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट राउंड, तो यहाँ पूरा प्रॉपर मील है, 3-4 सब्जियाँ हैं, वेज में 3-4 ऑप्शन हैं, और स्टार्टर्स में भी काफ़ी कुछ है, दही बल्ले हैं, कुलचे छोले हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, सूप वगैरह हैं। और ये कुछ फिलहाल तो ये लाया हूँ फर्स्ट राउंड, एक 2 राउंड और भी लगे। अच्छा ये सब फ्री मिलता है आपको, पानी, कोल्ड ड्रिंक, सूप, सब कुछ फ्री है, सिर्फ अल्कोहल अवेलेबल है, बाकी सब फ्री है। और जहाँ पर अल्कोहल मिल रहा है सब भंडे बैठे हैं और पैसे दे रहे हैं और पिए जा रहे हैं। और ये है उनका, ये है यहाँ पे जो है आपको खाना सब, ये इनका बूफे लगा हुआ है, बट इसका बूफे छोटा है काफ़ी, है ना, जो हम T1 पे गए थे वो काफ़ी बड़ा था, एंड ऑप्शंस थे बहुत सारे। होंगे नहीं, हाँ इसने बोला 2 घंटे के लिए अलाउड है ना, इस पर नहीं लगाएंगे, किसी और पे देखेंगे। मैं पीऊँगी थोड़ा सा, अच्छा है। और मैंने ये टेस्ट ट्राई करा, ये मुझे ना मटर मशरूम टाइप लग रहा है, पता नहीं क्या है, बट टेस्टी है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। नॉनवेज वालों के लिए भी है एक ऑप्शन, हाँ नॉनवेज वालों के लिए है साग चिकन, मतलब ग्रीन पालक के अंदर चिकन है, अच्छा लग रहा है, बट अब तो हमने छोड़ दिया, वो फिलहाल वेज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पापड़ी चाट, ये तो आंटी तो लेके आ गई कुलचा, तो दे दिया होगा कुलचा जो वो कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं बस सुबह दोपहर ब्रेकफास्ट के लिए, 3 बजे के बाद मैं को वो ले गई। चलो कोई नहीं, हम पापड़ी चाट एंजॉय करते हैं, तुम पापड़ी चाट खाओ, मैं तो एक कॉफ़ी पीऊँगी, मैंने तुमको कॉफ़ी बोला था लाने को। ये फोग्स, ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, और हम पहली बार ही विस्तारा में चढ़े हैं, अच्छी लग रही है। 26 हमारी सीट है AB, देखते हैं, पर मुझे लगता है आधी से ज़्यादा खाली जाएगी फ्लाइट, यूँ समझ लो 418 है, पता नहीं मेरे ख्याल से या तो सारे बोर्ड हो चुके हैं मुझे जहाँ तक लगता है, और बाहर बारिश भी आनी स्टार्ट हो गई है। चलो हैं, मुझे क्या पता, क्या पता नहीं बादल कौन से आ गए, खुशबू कर रहे हैं चिंट पाक दम दम, भाई बादलों में आ चुके हैं, यही फील हो रहा है। हमारी जा रही है यहाँ से, तो एक और फ्लाइट आ गई है भाई,
मेरे ख्याल से लुफ्तांसा हो गया, पर मैं तो इसको देख रही हूँ ना। विस्तारा में हमारा खाना आ गया है। ये आया है हमारा, यहाँ पे सबसे पहले आई है पानी की बॉटल, और ये आया है हमारा मस्का बन, और यहाँ पे ये कटलरीज हैं, बड़ी काफ़ी अच्छी क्यूट सी ट्रे में आया है। अब ये खोलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या है। और हम इसी सीढ़ी से नीचे उतरेंगे। वाओ, ये वाला मैंने पहली बार ही देखा है। ये हम पहुंच गए कोची के एयरपोर्ट पे, और अभी आने वाली है हमारी, क्या बोलते थे उसको, तो हम पहुंच गए कोची के एयरपोर्ट पे, एंड हमारी वो आने वाली है वहाँ से। ओह, ये ले ली। हाँ, काफ़ी अच्छा सा एयरपोर्ट लग रहा है यार, अच्छा ही लग रहा है। और अभी आंखें बिल्कुल सो चुकी हैं, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी भाई, मैं तो आधी नींद में थी। मैं तो उतार लिया, हमारा नहीं होगा ना फिर। ओए, उतार लिया, उतार के साइड में खड़ा कर लिया भाई। ये नहीं होगा फिर, वो नहीं होगा, वो बिल्कुल ऐसा रेड कलर का हमारा बैग है। हमने कहा हमारा किसी ने उतार लिया, उसने निकाल के छोड़ दिया। हमने कहा हमारा ऐसे छोड़ कैसे दिया, उसी का ही है। अलग ही सा है एयरपोर्ट ना, काफ़ी मतलब अलग सा है इसका एक्सटीरियर, वुडन वुडन वॉल है ऊपर, देखो बिल्कुल वुडन की वॉल्स हैं, और ये देखो काफ़ी काफ़ी यूनिक सा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। उधर से उधर उधर यहाँ पे लोग ही है, वेट कर रहे हैं अपनी फैमिली का। ये भैया जो आए हैं ना, ये जस्ट फिनिश दिस, देन आई लेटर आई विल सिट। ओके, लेटर आई विल सिट। ओके, तो भैया जो अभी आए हैं ना, वो हमने कहा कि ऊपर वो आगे रखे थे पहली सीट पे, हमने कहा ऊपर रख दो क्योंकि पहली सीट पे सौरभ बैठ जाएगा और पीछे मैं बैग लेके बैठ जाऊंगी, तो वो भी सारा कवर कर रहे हैं, बिकॉज़ बारिश आ सकती है, बारिश किसी भी टाइम आ जाती है ना।